Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine at your home and also paying attention towards your studies. So, today we are going to start our lesson number 2 of grammar and the name is nouns. Now, what do you understand by nouns? आपको noun पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? तो ये हमने first में की किया था. Noun का मतलब होता है name of a person, place, animal, thing. यानी कि हर वो चीज़ें जिसका नाम है उसको बोलते हैं नाउन. ठीक है बेटा, याद रखना, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, हर वो एक चीज़ जिसका नाम है उसको बोलते हैं नाउन. अब काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन. अब कॉमन नाउन क्या है, चलो हम ये पढ़ते हैं. Nouns that are the names of general things are known as common noun. For example, flower, day, city, man, tree, etc. Common यानी commonly, जैसे हम country बोलें तो country में India आ गया, Pakistan आ गया, ये सब, तो वो हो जाता है common noun. ठीक है, अब man बोलें तो man में सभी mans आ गए तो वो हो गया common. अब flower, तो flower में rose, lily, शू फ्लावर, सन फ्लावर, वो सभी फ्लावर्स आ गए तो वो हो गया कॉमन. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन जैसे पर्टिकुलरली हम किसी का नाम लेके बोल रहे हों, जैसे पहले हमने पढ़ा फ्लावर्स, लेकिन वो फ्लावर वर्ड लिखेंगे तो वो आएगा कॉमन में. अगर मैंने कहा सन फ्लावर तो मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ किसी एक फ्लावर को, तो वो आ जाएगा प्रॉपर नाउन में. ठीक है, जैसे लोटस, मंडे, हैदराबाद, ललित, पूजा, किसी को जब हम स्पेसिफाई कर रहे हो, किसी के पर्टिकुलर के बारे में हम बात कर रहे हो, वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन. और जर्नली जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हो, किसी जगह के, चीज़ के बारे में, तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन. ओके, अब क्वेश्चन 1 जो है ये क्या है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन अंडरलाइन कर रखे हुए हैं. आपका होमवर्क क्या है, कॉमन नाउन है तो सी लिखना है, प्रॉपर नाउन है तो पी लिखना है. ओके, नाउ टर्न द पेज. हियर व्हाट इज गिवन, द कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. अब हमें क्या करना है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन बाइफर्केट करना है पीछे जो पैराग्राफ दिया हुआ है, ये वाला जो पैराग्राफ है ना बेटा, इसमें से. तो देखो मैम ने किया है, कॉमन नाउन में आ जाएगा सिस्टर, ग्रैंड मदर, लेग, चिल्ड्रन, राइस पुडिंग, बॉक्स, बुक्स, स्वेटर. प्रॉपर में आ जाएगा आतिफ, निज़ामबाग, सायरा, ये सारे, मिर्ज़ाना बुक शॉप, गदर बाज़ार, नसीमा. ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन. अब काउंटेबल नाउन्स दैट The objects, the things which we can count are known as countable nouns and uncountables that we cannot count. अब countable में देखो, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आपके सामने क्या खुला हुआ है, book. बहुत सारी books हैं तो हम उन्हें count कर सकते हैं, yes, तो वो हो जाएगा countable. अब uncountable में क्या है, आपकी water bottle में water है, ठीक है, पानी की bottle में क्या होता है, पानी होता है ना बेटा, तो पानी को count कर सकते हैं, no. उसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. सी लिखना है, द थिंग्स व्हेन नेक्स्ट टू द काउंटेबल नाउन्स एंड यू नेक्स्ट टू द अनकाउंटेबल नाउन्स. ए, कैट, यस वी कैन काउंट इट, सो यू कैन सी सी इज रिटन. बी, एयर, एयर को हम काउंट कर सकते हैं, नो, तो क्या लिखा है, यू. देन वाटर, वाटर को काउंट कर सकते हैं, नो, तो हमने क्या लिख दिया है, यू. एनिमल्स, एनिमल्स को काउंट कर सकते हैं, यस, हम काउंट कर सकते हैं, तो मैम ने क्या लिखा है, सी. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ई में क्या दिया है, टैप, टैप यानी नल, काउंट कर सकते हैं ना, यस. देन हॉनेस्टी, हॉनेस्टी यानी सच्चाई, ईमानदारी, काउंट कर सकते हैं, नो, मैम ने लिखा है यू. द रिमेनिंग 4 यू विल रीड एज होमवर्क. अब समझ में आया काउंटेबल और अनकाउंटेबल, Yes, it is very easy. The things that we can count are countable and the things that we can't count are uncountable. Now, what we have to do in question number 3, put a cross against the group of words that are wrong and tick against the correct ones. One has been done for you. 8 horses. Ab horses 8 ho sakte hai na? Yes. Toh hum tick karenge. 4 air. Hawa yani kitni hai? 4.
हवा को हम काउंट कर सकते हैं? नो, तो वो क्या आ जाएगा? क्रॉस. 9 मिल्क, मिल्क 9 हो सकते हैं? नो, तो क्रॉस. देन अगेन 3 चीज़, चीज़ को काउंट कर सकते हैं? नो, देन इट इज़ क्रॉस. ए वुमेन, वुमेन को काउंट कर सकते हैं? येस, इट इज़ राइट. 4 हाउसेस, हाउसेस को यानी घरों को काउंट कर सकते हैं ना बेटा? येस, अगेन तो हम क्या करेंगे? टिक करेंगे. रिमेनिंग 4 यू विल रीड एज होमवर्क. तो यहाँ तक समझ में आया? काउंटेबल नाउन्स का मतलब होता है जो हम काउंट कर सकें, अनकाउंटेबल नाउन्स का मतलब होता है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे हवा हो गई, पानी, दूध, ठीक है, ऑयल, ये सारी चीज़ें हैं, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. व्हाट आर कॉन्क्रीट नाउन्स? कॉटन, जूस, बैग, वुमेन, टीचर, चौक, ये सब नाउन है. लेकिन कैसे नाउन है? दीज आर द नाउन्स दैट यू कैन टच, सी एंड फील. ये ऐसे नाउन हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं या फील कर सकते हैं, ठीक है. अब चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ लुक एट दिस वर्ड्स, पोलाइटनेस, हॉनेस्टी, ट्रूथ, ब्यूटी, विजडम, स्ट्रेंथ, यानी हम सच बोल रहे हैं, हमारी सच्चाई. कोई झूठ बोल रहा है तो लाइनेस, दे आर टॉकिंग रॉन्ग. ब्यूटी यानी सुंदरता, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना, वाओ आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं आप पे गर्व है, वो वर्ड. विजडम, स्ट्रेंथ मीन्स हमारी ताकत. नाउ व्हाट आर दीज वर्ड्स? सच नाउन्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एज दीज ऑल इमोशंस और फीलिंग्स दैट यू कैन एक्सपीरियंस, यू कैन फील देम इन योर हार्ट. क्यों इन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं? क्योंकि ये सारी क्या है? फीलिंग है, हम फील कर सकते हैं, ठीक है बेटा, तो इन्हें बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब चलो देखो फोर्थ क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो आपके जो भी थोड़े बहुत डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे. टेबल इज गिवन. व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू राइट कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब देखो कॉन्क्रीट नाउन में क्या आ सकता है? केक, फ्रूट, कीज, कप्स और बैग, ये हो जाएगा कॉन्क्रीट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स हमारी फीलिंग्स और इमोशंस की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे ब्यूटी, ट्रूथ, करेज, काइंडनेस, एंगर, ये हो जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है बेटा. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. लेट्स मूव फॉरवर्ड. येस, दिस इज योर होमवर्क. लेट मी एक्सप्लेन वॉट यू हैव टू डू. वन साइड मेल बॉक्स इज गिवन एंड वन साइड फीमेल बॉक्स इज गिवन. ओके, देखो डोर इज ऑल्सो देयर. वर्ड्स इन अ बॉक्स आर गिवन. पिकॉक मीन्स मेल एंड एफ में फीमेल, यानी सेकेंड वर्ड इज ऑफ वुमेन. वुमेन वर्ड फीमेल का आता है तो वो हम एफ में लिखेंगे. देन नेक्स्ट वर्ड बॉय. बॉय क्या है? मेल में है तो हम मेल में लिख देंगे. सन, सन अगेन मेल है तो हम लिखेंगे मेल में. नेक्स्ट वर्ड इज मदर. मदर किस में आएगा? यस, फीमेल में, तो हम वुमेन के नीचे लिख देंगे फीमेल में. देन ग्रैंडसन. ग्रैंडसन किस में आता है बेटा? मेल में. वेरी गुड, हम लिखेंगे मेल में. देन किंग. किंग किस में आएगा? अगेन मेल. ओके, इसी तरह से आपको ये सारे वर्ड्स एज अ होमवर्क करने हैं. इट्स वेरी इजी. नाउ टर्न द पेज, लेट्स रीड, लर्न सम मोर मस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन्स. अब मस्कुलिन और फेमिनिन नाउन्स हैं, दीज यू हैव टू कॉपी इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो लर्न देम. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वी हैव टू डू, नेम 5 न्यूटर जेंडर नाउन्स दैट आर थिंग्स फाउंड इन योर हाउस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू. ठीक है, अब न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? देर आर सम नाउन्स दैट डू नॉट बिलोंग टू मस्कुलिन और फेमिनिन नाउन्स. कुछ ऐसे भी होते हैं वो मेल फीमेल नाउन्स में आते नहीं हैं, जैसे टेबल, फैन, बेड, चेयर, आपकी कंपास बॉक्स, वाटर बॉक्स, तो इनको बोलते हैं न्यूट्रल नाउन्स. ठीक है, देर आर ऑल्सो सम नाउन्स दैट कैन बिलोंग टू बोथ द नाउन्स लाइक चाइल्ड, स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट, दे आर कॉल्ड कॉमन जेंडर.
ठीक है, समझ में आ रहा है? जो मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों में, जैसे चाइल्ड, तो चाइल्ड मेल भी हो सकता है, चाइल्ड फीमेल भी है, पर्टिकुलरली मेंशन तो नहीं किया है। स्टूडेंट, स्टूडेंट मेल भी है, मस्कुलिन में भी जा सकता है, फेमिनिन में भी जा सकता है, तो उसको हम दोनों में लिख देंगे। तो ऐसे जो नाउन्स होते हैं वो आ जाएंगे कॉमन जेंडर में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वही करना है। हियर यू कैन राइट डाउन योर ओन आंसर्स ऑल्सो, एंड इफ नॉट सो यू कैन कॉपी इट द सेम ऑल्सो। सी, बेड, स्टडी टेबल, टॉवल, प्लेट, कप्स, ये सारे हो जाते हैं न्यूटर, ओके, न्यूटर जेंडर नाउन्स। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, नेम 5 कॉमन जेंडर नाउन। अब कॉमन जेंडर जिसमें दोनों आ सकते हैं, वन हैज़ बीन डन फॉर अस, डॉक्टर, डॉक्टर दोनों हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल ऑल्सो। देन यू कैन सी आर्टिस्ट, ठीक है, आर्टिस्ट कैन ऑल्सो भी मेल और फीमेल, लॉयर कैन ऑल्सो भी मेल एंड फीमेल, दोनों हो सकते हैं, टीचर एंड पायलट दोनों हो सकते हैं, टीचर मेल टीचर भी हो सकता है और फीमेल टीचर भी हो सकता है, पायलट, पायलट कैन ऑल्सो भी मेल एंड फीमेल बोथ। सो दिस इज वॉट वी हैव लर्न टिल नाउ इन कॉमन जेंडर्स। ओके, नाउ वॉट वी हैव लर्न, लेट्स रिवाइज इन शॉर्ट। हमने क्या पढ़ा इस लेसन में, सबसे पहले तो आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए बेटा, व्हाट आर नाउन्स। नाउन्स क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, उसको बोलते हैं नाउन। अब काइंड्स ऑफ नाउन, ये सब जो लेसन पूरे में किया है हमने, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कॉन्क्रीट, न्यूटर, एब्स्ट्रैक्ट, वो सारे हैं काइंड्स यानी प्रकार। अब कॉमन मीन्स जो जर्नली सबके लिए हम बात कर रहे हैं, किसी एक का नाम नहीं ले रहे हैं, वो आ जाते हैं कॉमन। प्रॉपर मीन्स जब हम पर्टिकुलरली किसी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किसी चीज़ को, वो हो जाता है प्रॉपर। ओके, टर्न द पेज। काउंटेबल मीन्स इट्स वेरी इजी, जो हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल, दैट वी कैन नॉट काउंट, वो हो जाते हैं अनकाउंटेबल। ठीक है, अब कॉन्क्रीट नाउन्स मीन्स द थिंग्स वी कैन टच, सी और फील, वो हो जाते हैं कॉन्क्रीट नाउन। और अब आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दीज नाउन्स आर रिलेटेड टू अ इमोशंस, जैसे ब्यूटी हो, फीलिंग्स हो हमारी, द थिंग्स दैट वी एक्सपीरियंस, गुस्सा और हैप्पीनेस, दीज ऑल कम्स इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड मूविंग फॉरवर्ड इज मस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर, एंड हियर न्यूटर जेंडर मीन्स दैट द थिंग्स विच डू नॉट बिलोंग टू मस्कुलिन एंड फेमिनिन, वो अलग चीज़ें आ जाती हैं, टेबल, फैन, बेड, चेयर, एक्सेट्रा। और कॉमन जेंडर नाउन्स मीन्स जो दोनों हो सकते हैं, मस्कुलिन भी और फेमिनिन भी। नाउ आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल। योर होमवर्क इज टू रिवाइज द वीडियो ट्वाइस एंड थ्राइस। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।